हेलो हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैं डेली ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, डेली वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ, तो आज का जो वीडियो है ये कुछ ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ लाइक रेगुलर डेज में हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ है। आपको जो ग्रामर वाला है वो कल मिलेगा। एक दिन हम ग्रामर करेंगे और एक दिन हम डेली के सेंटेंसेस और कुछ वोकैबुलरी करेंगे। तो आज जो है वो सेंटेंसेस है जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, क्या तुम उसकी तरफ हो, है ना। कभी कभी हम पूछते हैं तुम उसकी तरफ हो। सो यूजुअली वी आस्क लाइक दिस क्वेश्चन। तो उसे हम कैसे पूछेंगे, बोलेंगे डू यू फेवर हिम, है ना, क्या आप उसकी तरफ हो। अगर आपको ऐसे पूछना है तो आप कैसे बोलोगे, डू यू फेवर हिम। नेक्स्ट है, नहीं मैं तुम्हारी तरफ हूँ, बोलेगा नहीं मैं तुम्हारी तरफ हूँ। कहें नो आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी साइड हूँ। यहाँ पे फेवर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नो आई एम योर साइड। उसके बाद है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। कोई काम कोई बोलता है कि आप ये करोगे क्या, मुझे मिलोगे, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो हम बोलेंगे आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। आप चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आएगा, उसकी कार ख़राब हो गई होगी या उसकी बाइक ख़राब हो गई होगी। अगर ऐसे बोलना है तो कैसे बोलोगे, हिज कार वुड हैव ब्रोकन डाउन, या तो फिर हिज बाइक वुड हैव ब्रोकन डाउन। हो गई ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वुड हैव, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग, वी डोंट नो एग्जैक्टली बट वी आर अज्यूमिंग। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, हमको पता नहीं एक्चुअल में हुआ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। मतलब ये क्या है, ये जितने भी सेंटेंसेस है, ये वाले जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, ये हम सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क, है ना, वो खा चुका होगा। तो ही वुड हैव हैड द फूड, ओके। उसके बाद है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, यू वुड नॉट हैव नोटिस्ड। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा तो यू वुड हैव नॉट नोटिस्ड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें नहीं पता सही क्या है। तो कैसे बोलोगे, यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट, है ना, यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट। नेक्स्ट है, मुझे इसमें नहीं घसीटो, कि तो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस है। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें नहीं पता सही क्या है। ऐसे हम बोलते हैं ना किसी किसी को, तुम्हें नहीं पता सही क्या है। तो कैसे बोलोगे, यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट, यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इसमें नहीं घसीटो, तो मैं क्या बोलूँगी, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। घसीटने को बोलते हैं ड्रैग, और डोंट मतलब नहीं को आएगा डोंट, तो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आज अपने मन की करने दो, है ना, हम बोलते कभी कभी आज मुझे अपने मन की करने दो। तो कैसे बोलेंगे, लेट मी डू व्हाट आई वांट टुडे, लेट मी डू व्हाट आई वांट टुडे। नेक्स्ट है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी झगड़ा होता है किसी से, तो बोलते हैं मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर किसी के बीच में नहीं पड़ना, तो बोलते मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, तो क्या बोलोगे, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। कभी कभी कोई हमको कुछ बोल देता है, प्रेस कर देता है, तो बोलते अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बिग डील फॉर मी, इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, यह बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया, है ना, तो क्या है का? बुरा ना, बहुत बुरा हुआ, तो क्या बोलेंगे, इट्स टू बैड दैट शी डिश्ड हिम, ओके, धोखे को डिच बोलेंगे। नेक्स्ट है, इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द कंपनी, है ना, ये बहुत बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ी। तो क्विट आएगा, छोड़ने के लिए क्या आता है, क्विट आता है, और बुरा हुआ उसके लिए क्या होगा, इट्स टू बैड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम ऐसे क्यों हो, कभी कभी हम पूछते हैं तुम ऐसे क्यों हो, तो कैसे बोलोगे, वाई आर यू लाइक दिस, वाई आर यू लाइक दिस। क्यों के लिए वाई यूज़ किया, और ऐसे के लिए क्या यूज़ किया, लाइक दिस। नेक्स्ट है, क्या तुम सुन रहे हो, हम किसी को बोलते हैं वो कोई बात नहीं सुनता है, क्या तुम सुन रहे हो, बोलते हैं आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, है ना। फिर क्या, तुम क्या देख रहे हो, तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट। व्हाट के किसके लिए यूज़ किया, क्या के लिए, तुम के लिए यू, और देखने के लिए क्या है, लुकिंग एट,
नेक्स्ट है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है. कभी कभी हमको उससे लगता है कोई बात नहीं करता है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं मे बी आई वॉज मिस्टेकन, मे बी आई वॉज मिस्टेकन. नेक्स्ट है, मैंने पैसे दे दिए हैं, तो क्या आएगा? जैसे कॉलेज में तुमने फीस पे कर दी है या किसी को पैसे दे दिए उधार लिए, तो क्या बोलेंगे? आई हैव मेड द पेमेंट, आई हैव मेड द पेमेंट. या कोई शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पे कुछ आपको बोलना है कि मैंने पैसे दे दिए भैया, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव मेड द पेमेंट. नेक्स्ट है, इसका मतलब वो यहाँ है. अभी आप बोल रहे पूछ रहे, अच्छा इसका मतलब वो यहाँ पे है, तो क्या बोलोगे? दैट मीन शी इज़ हियर, दैट मीन वी आर हियर, दे आर हियर, या फिर दैट मीन्स ही इज़ हियर, ऐसे आप यूज़ कर. उसके बाद नेक्स्ट है, तुम जाओ मैं तुमसे मिलता हूँ, तो यू विल गो आई जॉइन यू, यू विल गो आई जॉइन यू. नेक्स्ट है, ये मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं. किसी किसी को तुम बोलते कोई लेता है, तो क्या बोलोगे? दिस इज़ माई फ़ोन नॉट योर्स. फिर ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं, तो क्या बोलोगे? दिस इज़ माई कार नॉट योर्स. फिर नेक्स्ट है, ये तुम्हारा कमरा है मेरा नहीं, तो क्या बोलोगे? दिस इज़ योर रूम नॉट माई, या दिस इज माई रूम नॉट योर्स. इसको अपोजिट भी आप बोल सकते हो, है ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं, तुम ये बोल सकते हो दिस इज़ योर कार नॉट माई, माइन है ना माई. फिर दिस इज़ योर फोन नॉट माई, तो ऐसे भी आप इसको अपोजिट करके भी सेंटेंसेस बना सकते हो. अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे तुम ऐसे क्यों हो, तो मैंने अभी बताया था तुम ऐसे क्यों हो, तो क्या बोलोगे? वाई आर यू लाइक दिस, क्या तुम सुन रहे हो, तो आएगा आर यू लिसनिंग, क्या तुम बोल रहे हो, तो आर यू टॉकिंग, ऐसे बोल सकते हो. क्या तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ऐसे क्यों हो, तो आई यू लाइक दिस, क्या तुम सुन रहे हो, तो आर यू लिसनिंग, तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Thank you for watching my YouTube channel. See you soon with a new video.